पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हॉस्पिटल ओपनिंग के लिए क्या क्या चीज़ इसेंशियल होता है, एक से लेकर आठ तक देखे थे। तो इस वीडियो में हम लोग नाइन से शुरू करेंगे, नाइन पॉइंट से, और आके हम लोग इस पेज को पूरा हैंडल करेंगे कि और क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटल ओपनिंग के लिए। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम हॉस्पिटल ओपनिंग के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं और इसको हर एक पार्ट में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और इसके बारे में डिटेल से जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपको हॉस्पिटल ओपनिंग करना है। तो देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, तो सिंगल प्रैक्टिशनर है, पॉली क्लिनिक है, सब सेंटर है, फिजियोथेरेपी क्लिनिक है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, इनफर्टिलिटी है, डेंटल क्लिनिक है, डिस्पेंसरी है, डायलिसिस सेंटर है, तो मतलब बहुत सारे वेलनेस फिटनेस है, फिटनेस सेंटर वगैरह है, इस तरह से बहुत सारे प्रोवाइडिंग इन पेशेंट केयर हॉस्पिटल है कि नर्सिंग होम है। मतलब क्या आप खोलना चाह रहे हैं, हॉस्पिटल खोलना चाह रहे हैं या नर्सिंग होम खोलना चाह रहे हैं, मतलब किस तरह का केयर दीजिएगा पेशेंट को, ये भी आपको स्पेसिफाई करना होगा। मैटरनिटी होम है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है या सेनेटोरियम है, तो या फिर कुछ और अलग है, तो यहाँ पे स्पेसिफाई कीजिए। मतलब सारा कुछ डिटेल्स इसमें पूछा जाएगा आपको। तो प्रोवाइडिंग टेस्टिंग एंड डायग्नोस्टिक सर्विस, तो टेस्टिंग मतलब अगर मान लीजिए कुछ हॉस्पिटल खोलिएगा तो टेस्टिंग किस तरह का रहेगा, पैथोलॉजी रहेगा उसमें या हेमाटोलॉजी रहेगा या बायोकेमिस्ट्री रहेगा या माइक्रोबायोलॉजी रहेगा या जेनेटिक्स रहेगा या कलेक्शन सेंटर रखिएगा आप कि कहीं और आप जाँच कराइए, यहाँ पर कलेक्शन होगा पेशेंट का। डायग्नोस्टिक एंड इमेज सेंटर, मतलब अगर मान लीजिए हॉस्पिटल खोलते हैं, बहुत बड़ा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल रहता है, उसमें सब कुछ की व्यवस्था रहता है, या फिर अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, मतलब उसका व्यवस्था कैसे कीजिएगा या रहेगा या नहीं रहेगा ये आप, या फिर मान लीजिए स्पेशली अगर कोई एक्सरे सेंटर खोलना चाहता है तो यहाँ एक्सरे सेंटर के लिए यहाँ टिक करेगा। तो डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर, तो इसमें क्या क्या आता है, एक्सरे सेंटर आता है, मेमोग्राफी आता है, बोन डेंसिटोमेट्री आता है, सोनोग्राफी आता है, कलर डोपलर आता है, सीटी स्कैन आता है, मैग्नेटिक रिजोलेंस इमेजिंग एमआरआई जिसको कहते हैं, पोजिस्ट्रोन एमिशन टोमोग्राफी, पेट स्कैन, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ईएमजी, और या फिर कुछ और खोलना है इससे रिलेटेड, डायग्नोस्टिक से या इमेजिंग सेंटर से रिलेटेड, तो आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दसवां नंबर पे आप देख सकते हैं, ये नौवां नंबर में इतना सारा डिटेल्स देना था आपको, अब मतलब ये इस तरह से आप इसमें कोई भी आप एक चुन सकते हैं। अब दसवां नंबर नेचर ऑफ सर्विस, तो नेचर ऑफ सर्विस में क्या रहेगा, ये देखिए, मतलब मेडिसिन में जनरल रहेगा या सिंगल स्पेशलिटी रहेगा या फिर मल्टी स्पेशलिटी रहेगा या सुपर स्पेशलिटी रहेगा या मोबाइल रहेगा, मतलब मूवेबल रहेगा। पहला मेरे की एलोपैथी है, जनरल प्रैक्टिस हो गया, और प्रैक्टिस हो गया, एंड प्रैक्टिस हो गया, डे केयर सेंटर हो गया, या इमरजेंसी है या कैजुअलिटी है, या फिर आईसीयू होगा या फिर आईसीसीयू होगा। तो इस तरह से स्पेशल केयर सर्विस फॉर चैलेंज पर्सन, ब्लड बैंक है, ऑर्गेन या टिश्यू बैंक है। तो इस तरह से यहाँ आयुर्वेदा का सब सारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस तरह से यूनानी का यहाँ पे दिया हुआ है सारा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत कुछ पूछा जाता है, बहुत तरह का ऑप्शन होता है, मतलब बहुत मतलब वैरायटी ऑफ वैरायटी, मतलब मेडिकल फील्ड में अगर आप आते हैं तो वैरायटी ऑफ वैरायटी का आपके पास ऑप्शन मिल जाता है। तो आगे का पेज में हम लोग देखेंगे, बहुत सारा इसमें पेज है। तो सेकंड पेज जो है, थर्ड पेज, यहाँ पे हम लोग कल देखेंगे, मतलब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से रहता है, तो इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको वीडियो मिलते रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।